दिल्ली की वांटेड लेडी डॉन अनु धनखड़ नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वांटेड लेडी डॉन अनु धनखड़ को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। अनु धनखड़ अमेरिका में छुपकर बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के लिए काम करती है। कुछ लोगों का दावा है कि वो हिमांशु की गर्लफ्रेंड है। काफी समय से दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक अनु धनखड़ से ही पश्चिमी दिल्ली के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में हरी ट्रैप करके हत्या करवाई थी। जानकारी के मुताबिक लेडी डॉन अनु अमेरिका में मौजूद कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के लिए काम करती है। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को गुजरात की साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्रोई का विरोधी माना जाता है। दोनों के गैंग एक दूसरे से दुश्मन है। बताया जाता है कि लॉरेंस विश्रोई गैंग के शूटर्स को खत्म करने के लिए ही गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने लेडी डॉन अनु धनखड़ को अपने गैंग में शामिल किया था। कौन है हिमांशु भाऊ? मोरथल के गुलशन ढाबे पर नीतू डाबोड़िया गैंग से शूटर और शराब कारोबारी सुंदर मलिक की हत्या की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली थी, जिसका सरगना हिमांशु भाऊ है। वो अमेरिका में बैठकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में अपना गैंग चला रहा है और इसमें हरियाणा के कई गैंग उसका साथ दे रहे हैं। इस गैंग के मुख्य सरगना काला खुरमपुर हिसार नीरज फरीदपुर और सौरभ गिडोली गुरुग्राम है। पुलिस सूत्रों की माने तो ये सभी गैंगस्टर अब अमेरिका में हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को अपनी गैंग में जोड़ते हैं। कैसे चर्चा में आया था भाऊ गैंग? गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की क्राइम कुंडली काफी पुरानी है। हिमांशु ने सबसे पहले गोहाना में हलवाई माथुराम की दुकान पर फायरिंग कर करोड़ों रुपए की फिरौती वसूलने में नाम आया था। यही पहला मामला था जिसमें भाऊ गैंग चर्चा में आया था। उसके बाद से भाऊ गैंग का नाम कई संगीन वारदातों को अंजाम देने में आ चुका है, तो कई ऐसे मामले हैं जिनमें खुद भाऊ गैंग सामने आकर इसकी जिम्मेदारी लेता रहता है।